स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर एक राय और साथ ही आपके अपडेट हैं सर। सर तो बाजार तो रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कॉशन आपको कह रहे हैं। आज आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया, और उससे ज्यादा अच्छी पिक्चर किसकी हो सकती है, कि बैंक्स आर वेरी वेरी ओवरस्ट्रेस्ड, और वो कह रहे हैं कि देयर इज अ डाइकॉटमी बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी। तो थोड़ा सा उसका कॉशन रखिए, अपने बने रहिए, लेकिन अपने आप को हेज। आर यू पेइंग एक्सेसिव ब्रोकरेज? इफ योर ब्रोकरेज इज 0.5, 0.4, 0.3, देन स्टॉप। यस, यू आर पेइंग एक्सेसिव ब्रोकरेजेस। Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. भी करिए, protect करिए, profit को keep booking, क्योंकि market में अभी तो जो तेजी है वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जस्टिफिकेशन मुश्किल होती है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न करते रहिए, बट स्टे एज लॉन्ग एज द पार्टी इज देयर। जब पार्टी खत्म होने लगे, अगर 14,200 के नीचे दो दिन क्लोजिंग आ जाए, तो आप अपनी एग्जिट कर लीजिए। अब इसके ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए आपको बताया, इस समय सिर्फ हम ट्रेडर हैं और दोनों तरफ की कॉल दे रहे हैं। कल मेरे को बहुत लोगों ने कहा, आपने सुबह रिलायंस कहा तो नीचे घट गया, और नीचे ऊपर मेरे हाथ में नहीं है। रिलायंस में मैं जस्टिफाई करता हूं कि 1888 इज अ स्टॉप लॉस, और मुझे 2000 का टारगेट है। अगर ये मार्केट बढ़नी है और बैंक्स घटेंगे, तो रिलायंस हैज टू होल्ड द फोर्ट। और मैं बताऊं अनिल जी, अगर बाजार घटा तो रिलायंस विल बी गोइंग अप, ये एक रिवर्स इसका वो है, सही है। तो इस कारण से रिलायंस में 1888 का स्टॉप लॉस बने रहिए, बने रहिए। बाकी पिक्स आपको मैंने दी थी, बंधन बैंक आरबीआई 5% घटे हैं फ्रॉम द टाइम, तो आपके हेजेस दोनों चलेंगे अगर आप उसमें दोनों तरफ रखेंगे। Perfect. कल आपको मैंने कोटक बैंक भी कुछ दिन पहले आपको 1465 में शॉर्ट दिया था, 1409 हो गया, 4-5% वो भी घटा है। कल का मेरा पिक टाटा केमिकल 513 रुपए हो गया, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। और अनिल जी, आपको याद है मैं जब 70, 80, 85, 90 में गेल बोलता था, लोग बाग बहुत चिढ़ते थे। आज देखिए, गेल ने बाय कर दिया, 140 है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन बुक प्रॉफिट। अब आपके लिए दो बाय एक सेल है, आप कहे तो मैं करूँ। बिल्कुल सर, बताएं प्लीज, शुरुआत करें बाय कॉल्स के साथ। तो बाय में अगेन मेरे लिए टॉप पिक होएगा, अगेन अ पीएसयू वेयर अगेन वैल्यू एंड बाय बैक कैन बी ऑन द कार्ड। आई वुड से बाय REC 142, 143.5, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 138, ये 150 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। REC इज बेस्ट पॉइज टू यू नो स्केल न्यू हाइज। The other pick would be my favorite, IDFC First Bank. Excellent deposit commentary from the management. Very, very optimistic. 44-45 में लीजिए, 43-25 का स्टॉप लॉस है, 49 का टारगेट। और सेल में है सर, ये कंजम्पशन स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बी वॉचफुल। सेल पिडिलाइट 1820 to 1830, 1865 का स्टॉप लॉस है, 1750 का टारगेट। तो दो बाय एक सेल, ये है राय बसिन साहब की तरफ से। REC यहां पर करिए खरीदारी 142-142.50 में, 138 का स्टॉप लॉस है और टारगेट रखिए 150 का। IDFC फर्स्ट बैंक 44.50 के आसपास, 45 रुपए के आसपास करिए खरीदारी। 43.25 रुपए से 43.25 का स्टॉप लॉस, 49 रुपए का टारगेट 49 का। और साथ ही PD लाइट यहां पर करनी है आपको बिकवाली, 1822-1830 ये रेंज है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 1865 का स्टॉप लॉस लगाना है, बिडिलाइट शॉर्ट है ये ध्यान में रहे। 1865 का स्टॉप लॉस, 1750 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। ये है आपके लिए तीन बेहतरीन स्टॉक बसिन साहब की तरफ से। आपका SIP महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक MF स्मार्ट SIP। ये महंगे मार्केट में वेट करता है, और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट SIP, SIP का पावर प्ले। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज